बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पाचुरेशन और लैक्टेशन के बारे में। तो पाचुरेशन क्या होता है? पाचुरेशन का मतलब होता है डिलीवरिंग ऑफ यंग वन। 9 मंथ का जब गेस्टेशन पीरियड या 40 वीक्स का जब गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद बेबी की डिलीवरी होती है। दैट इज अ फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड इस प्रोसेस इज नोन एज पाचुरेशन। पाचुरेशन जो होता है बेटा, ये सिग्नल ओरिजिनेट करता है बॉडी को जो कि डेवलप करते हैं फीटस और प्लेसेंटा को। यहाँ पे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन शो होने लगता है और इसकी वजह से फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होने लगता है। ये ट्रिगर करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन को फीमेल बॉडी में, मतलब मैटरनल बॉडी में। अब यहाँ पे क्या होता है, फीटस जो होता है उसकी डिलीवरी हो जाती है, वो बाहर आ जाता है एंड एट द सेम टाइम मेमरी ग्लैंड्स जो होते हैं फीमेल के वो स्टार्ट करने लगते हैं मिल्क प्रोडक्शन को। प्रेगनेंसी के एंड में लैक्टेशन का पीरियड भी स्टार्ट हो जाता है। जो मिल्क प्रोड्यूस होता है इनिशियल फ्यू डेज में लैक्टेशन के टाइम में, इसको कहते हैं हम लोग क्लोस्ट्रम। क्लोस्ट्रम जो होता है इसमें काफी सारी एंटीबॉडीज होती हैं जो लाइफ टाइम उस बच्चे को इन्फेक्शन से फाइट करने में